इंडिया के सभी मित्रों का मैं या भाजपा कार्यालय में अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आपका। कांग्रेस की मौजूदा सरकार, सब जानते हैं झूठ की बुनियाद पर ये सरकार बनी थी। मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैं झुंझुनू जिले से आती हूँ और वहां पे राहुल गांधी जी आए थे और उंगलियों पर 1, 2, 3, 4 इस तरह से 10 गिनती गिनके उन्होंने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। राहुल गांधी जी, हाँ राहुल गांधी जी आए थे। और मैं आपका ध्यान इस सरकार की अति संवेदनशील मुद्दे की तरफ दिलाना चाहती हूँ जिसमें 100% फेल्योर है। मैं पींगे महिला, थोड़ा सा नीचे कर लो आपको, महिलाओं के बारे में ये सरकार कितनी उदासीन, कितनी असंवेदनशील है ये मैं बताना चाहती हूँ। और आपसे महिला होने के नाते एक सपोर्ट भी चाहती हूँ। सरकार ने जो जो किए हैं, महिलाओं के साथ जिस तरह के अत्याचार उत्पीड़न हुए हैं और उसके बाद कानून की जिस तरह से मजाक उड़ाई गई है, मखौल उड़ाई गई है। अनिता जी कोट कर रही थी कि यहाँ के मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, वारे मर्दानगी इसको कहते होंगे। महिलाओं की हिफाजत कर नहीं सकते, नन्ही नन्ही बच्चियाँ स्कूल जाएं लौट के आएंगे कि नहीं, इसका पूरा भरोसा ही नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी आज महिला थानों में, अस्पतालों में, सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में, स्टेशन पर, यहाँ तक एम्बुलेंस में भी वो सुरक्षित नहीं है। न जाने कौन किस समय किस वेश में निकलकर और महिला को अपना शिकार बना देगा। प्रदेश में महिला अत्याचार संबंधित 2 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। प्रतिदिन 17 रेप की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिनमें 16% सिर्फ राजस्थान। शर्म आती है ये आंकड़े प्रस्तुत करते हुए, लेकिन यहाँ इस सरकार को, अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार को जरा भी शर्म हया आंखों में नहीं है। राजस्थान देश भर में महिला उत्पीड़न के मामले में प्रथम स्थान पे है। देखिए आपको भी सुनकर बड़ा अटपटा लगा होगा, ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली रोजाना की घटनाएं नन्ही नन्ही मासूम बच्चियों के साथ, स्कूल में पढ़ने वाली 7 वर्षीय एक बालिका के साथ वहां का चपरासी 3 बार रेप करता है, पति के सामने सामूहिक बलात्कार के बाद महिला को गोली मार दी जाती है, एसिड डाल दिया जाता है और तब भी बच जाती है तो कुओं में फेंक दिया जाता है। सारी सीमाएं पार कर गई है महिला उत्पीड़न के मामले इस सरकार में, और जो तक नहीं रहती। और एक तरफ इनकी विधायक मदेरणा कह रही है कि मैं तो खुद भी सुरक्षित नहीं हूं, जिस सरकार की विधायक खुद कह रही हैं कि वो सुरक्षित नहीं है, सोच लीजिए कि सरकार क्या कर रही होगी। जनजातीय क्षेत्र में सामूहिक बलात्कार की 150 घटनाएं किस तरफ इशारा कर रही है। राजस्थान में 10 साल से कम आयु की बच्चियों के साथ दरिंदगी के मामले 2.79%। 10 साल की मासूम बच्चियां, हमारे घरों में भी नन्ही नन्ही बालिकाएं हैं, स्कूल भी जाती हैं, खेलने भी जाती हैं, पड़ोसी के भी जाती हैं, शादी विवाह में भी जाती हैं, रिश्तेदारी में भेजना तो आज द्व्यासुपन हो गया क्योंकि भय लगता है, डर लगता है। अस्पतालों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, थानों में पुलिस वालों की उपस्थिति में महिला के साथ रेप, पुलिस इस बात की गवाह है। जयपुर रेंज में महिलाओं के मामले 7.8% बढ़े हैं, महिला उत्पीड़न के मामले। और इसी तरह बीकानेर रेंज में, जयपुर रेंज में महिलाओं के साथ दुराचार के मामले बढ़े हैं। नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के मामलों में जोधपुर, भरतपुर, जयपुर और कोटा रेंज में काफी वृद्धि हुई है। और आप मुझे तो अगर कहेंगे कि मैं आंकड़े प्रस्तुत करूं तो मेरे पास लंबा चौड़ा चिट्ठा है, लेकिन मैं कहूंगी कि प्रदेश में जून में महिलाओं के अत्याचार के 38,936 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 2,331 मामलों पर एफआईआर लग गई।
2919 मामलों का ही चालान पेश हो पाया और 86,000 मामले अभी पेंडेंसी में लटके पड़े हैं। जो सरकार अपनी महिलाओं की हिफाजत नहीं कर सकती, जो समाज अपनी महिलाओं का आदर सम्मान नहीं कर सकते, वो अधिक दिन तक जिंदा नहीं रहते। आपने देखा होगा कि महिलाओं ने थाली नाद के जरिए पिछले दिनों जयपुर में जता दिया था, आप उपस्थित थे। अब नहीं सहेगा राजस्थान, और आज की स्त्री ये ठान चुकी है, अपना चीर बचा लो द्रौपदी, अब ना केशव आएंगे। सशक्त महिला है राजस्थान की, हम कानून की और सरकार की बात देख चुके हैं। अब हमने फैसला कर लिया है कि स्त्रियों पे होने वाले अत्याचार, मासूमों पर होने वाले जघन्य आपराधिक काम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब सिर्फ संतोष अलावत, अनिता बदेल नहीं, राजस्थान की तमाम नारी शक्ति ने यह फैसला कर लिया है कि आगामी समय में बेटियों के साथ हुए बलात्कार का, अपमान का बदला ये राजस्थान की स्त्री लेगी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आंकड़ों में जाऊंगी तो मेरे पास काफी लंबा चौड़ा काम है, आप चाहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, बींग ए महिला, एक महिला होने के नाते मैं इतना तो आपसे उम्मीद कर सकती हूँ, क्योंकि आप प्रजातंत्र के रखवाले हैं और आप जो बात सामने रखते हैं समाज में समझ आती है उन बातों की, तो मेहरबानी करके ये मेरी दो बेटियां भी बैठी हैं सामने, हम सब बाल बच्चियों वाले, बेटियों वाले, बहनों वाले हैं। स्त्रियां सुरक्षित जिस समाज में नहीं रहेंगी उसका कल्याण कभी नहीं होगा। प्लीज, जो जो सरकार में हुआ, जिस तरह की वारदातें हुई हैं, जिस तरह के जघन्य कांड हुए हैं, उनको प्लीज समाज के सामने लाइएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत